गुजरात में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले गुजरात से दिल्ली तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी तकरार जारी है और इस सियासी लड़ाई में अब ऑटो की एंट्री हो गई है। वार पलटवार किए जा रहे हैं और ऑटो चलाने वालों का दिल जीतने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में ऑटो राइड की तो अब बीजेपी के विधायक ऑटो गिफ्ट करने दिल्ली में उनके घर पहुंच गए। गुजरात से दिल्ली तक सियासी लड़ाई अब ऑटो पर आ पहुंची है। ऑटो की सवारी से गुजरात में सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की तैयारी है। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का सियासी दौर अब ऑटो पर आ पहुंचा है। अभी 3 दिन पहले की ही तो बात, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में थे। वो गुजरात चुनाव के लिए अपनी पार्टी की जमीन तैयार कर रहे हैं और इसके लिए फॉर्मूला उन्होंने दिल्ली वाला ही अपनाया। ऑटो से सियासी माइलेज लेने में जुटे दिखाई दिए। गुजरात में ऑटो की सवारी से बीजेपी को सत्ता की रेस में पीछे छोड़ने का फॉर्मूला आजमाते दिखाई दिए। बीजेपी पर वार भी किया। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में। आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे। प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है। आपके नेताओं को, आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। अरविंद केजरीवाल ने एक ऑटो चालक के घर जाकर खाना भी खाया और संदेश भी दिया कि वो दिल्ली के ऑटो चालकों की तरह उनका साथ दें। अब बीजेपी भला कहां चुप रहने वाली है। केजरीवाल पर पलटवार किया उन्हीं के स्टाइल में, वो भी दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल, नौटंकी करना बंद करो। दिल्ली में बीजेपी विधायक ऑटो का काफिला लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच गए। बीजेपी विधायक कहते दिखाई दिए कि वो केजरीवाल को ये ऑटो तोहफे में देना चाहते हैं। बीजेपी विधायक ये कहने से भी नहीं चूके कि अगर केजरीवाल को गुजरात में सुरक्षा और लग्जरी गाड़ी नहीं चाहिए तो इसकी शुरुआत वो दिल्ली से करें ताकि गुजरात की जनता उन पर भरोसा कर सके। मुख्यमंत्री जब अपने घर से बाहर निकलते हैं 27 सरकारी गाड़ियों का काफिला उनके साथ होता है। उनकी सुरक्षा में 70 सुरक्षाकर्मी दिल्ली पुलिस ने लगाए हुए हैं, 150 सुरक्षाकर्मी पंजाब पुलिस ने लगाए हुए हैं। वो गुजरात की सड़कों पर जाते हैं तो गुजरात के लोगों को संदेश देते हैं, मैं तो ऑटो रिक्शा में चलता हूँ, मैं तो सुरक्षा भी नहीं लेता हूँ। गुजरात के भोले भाले लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं, मैं तो ऑटो रिक्शा में चलता हूँ, मेरे पास तो सुरक्षाकर्मी भी नहीं होते हैं। अगर वो ऑटो रिक्शा में चलते हैं तो आज भाजपा विधायक दल उनको 5 ऑटो रिक्शा देने के लिए आया है। बीजेपी ने सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल को ऑटो की सवारी से जवाब दिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सूरत में ऑटो की सवारी से केजरीवाल को जवाब देते नजर आए। उन्होंने ऑटो वालों से मुलाकात की और चाय पर बात की और केजरीवाल का नाम लिए बिना ताल ठोकी कि लोग आएंगे जाएंगे लेकिन बीजेपी को हिला नहीं पाएंगे। 15-20 साल पीछे लूटा पड़ा। ऑटो के सहारे चुनावी नैया पार होने की उम्मीद सियासी दल लगाए बैठे हैं लेकिन किसका सियासी मीटर डाउन होगा ये फैसला जनता के हाथों में है। दिल्ली में दीक्षा पांडे और बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं। आपने हाथियों का गुस्सा कई बार देखा होगा लेकिन उत्तराखंड से आई एक तस्वीर एकदम अलग है। यहाँ एक हाथी के गुस्से का शिकार पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को होना पड़ा। गढ़वाल दौरे से लौट रहे रावत के काफिले को हाथी के गुस्से की वजह से रोकना पड़ा और उन्हें सुरक्षित बचने के लिए एक चट्टान का सहारा लेना पड़ा।
जब पूर्व सीएम के सामने आया हाथी, पूर्व सीएम पर गजराज फायर, हाईवे पर 15 मिनट हाहाकार। गजराज के गुस्से से बचने के लिए चट्टान का सहारा लिए ये हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोटद्वार से पौड़ी जा रहे थे, तभी अचानक उनका काफिला रुक गया। जब वजह पता चली तो सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत ही नहीं बल्कि उनके साथ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उनका काफिला इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि सामने सड़क पर एक विशालकाय हाथी खड़ा था। त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफिले की गाड़ियों को हाथी के बगल से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन गजराज के तेवर देखकर जो जहां था वही थम गया। खतरा उस वक्त ज्यादा बढ़ गया जब हाथी ने तेजी से काफिले की तरफ कदम बढ़ाए। हाथी गाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था और गाड़ियां पीछे की तरफ भागने लगी। हाथी ने रास्ता रोका, फिर पीछा भी किया। इसके बावजूद हाथी थमा नहीं और उसने गाड़ियों का पीछा करना शुरू कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने जब खतरे को बढ़ते हुए देखा तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को कार से उतारकर एक पहाड़ी नाले की तरफ ले गए, लेकिन हाथी ने तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके पीछे दौड़ लगा दी। हाथी के गुस्से से बचने के लिए पूर्व सीएम और उनके साथ मौजूद लोग एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ गए। इसके बाद भी हाथी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो चिंघाड़ता रहा। लोगों का डर बढ़ता जा रहा था, वो बस गजराज का गुस्सा शांत होने का इंतजार करते रहे। और फिर कुछ देर बाद हाथी का गुस्सा जैसे ही कम हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत को उनके सुरक्षा कर्मियों ने चट्टान से सुरक्षित गाड़ी से उतारा और वहां से सुरक्षित निकल गए। गजराज की नाराजगी की वजह से हाईवे पर मची अफरा तफरी भी थम गई, लेकिन पूर्व सीएम और उनके सुरक्षा कर्मियों को यह घटना लंबे वक्त तक याद रहेगी। कुलदीप नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शुक्रवार को द्विपक्षीय बैठक होगी, लेकिन इस बैठक से पहले मॉस्को से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। एक अंग्रेजी अखबार की माने तो कुछ दिनों पहले ही पुतिन के काफिले पर बम से हमला हुआ। इस हमले के बाद पुतिन के 3 बॉडीगार्ड्स गायब हो गए। यही नहीं, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के लोगों ने किसी तरह पुतिन की जान बचाई। देखिए पुतिन पर हमले की इनसाइड स्टोरी। जब मौत के धमाके से बाल बाल बचे पुतिन, हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती की एक नई इबारत उज़्बेकिस्तान में लिखी जाएगी। समरकंद में 2 साल बाद पुतिन और मोदी की मुलाकात होगी। आपसी सहयोग पर बात होगी, लेकिन भारत के मित्र देश रूस की राजधानी मॉस्को में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जान जाते जाते बची। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिनों पहले पुतिन किसी अज्ञात जगह से अपने घर की ओर जा रहे थे। उनका काफिला अपनी रफ्तार में चल रहा था। पुतिन के काफिले में 3 लिमोजिन थे। पहली और दूसरी लिमोजिन में उनके बॉडीगार्ड्स थे, तो तीसरी में पुतिन बैठे हुए थे। लेकिन तभी पुतिन के काफिले की पहली गाड़ी रुक गई, फिर दूसरी गाड़ी भी रुक गई। पुतिन की सुरक्षा में तैनात फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के बॉडीगार्ड्स कुछ समझ पाते कि एक धमाका हुआ। धुएं का गुबार उठा और हड़कंप मच गया।
एक रूसी टेलीग्राम चैनल के मुताबिक पुतिन के काफिले में चल रही पहली गाड़ी को रास्ते में खड़ी एक एम्बुलेंस की वजह से रुकना पड़ा, जबकि काफिले की दूसरी गाड़ी भी किसी वजह से रुक गई। इसके बाद पुतिन की लिमोजिन कार की बाईं ओर धमाका हुआ। ये धमाका कार के अगले पहिए के पास हुआ और धुआं उठने लगा। हालांकि पुतिन की गाड़ी इस धमाके के बावजूद वारदात वाली जगह से निकलने में कामयाब हो गई। जिस एम्बुलेंस ने पुतिन के काफिले की पहली कार को रोका था, उसका ड्राइवर मृत पाया गया, उसकी डेड बॉडी मिली। तो वहीं पुतिन को एस्कॉर्ट कर रही पहली कार में मौजूद 3 सुरक्षा कर्मी लापता बताए जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी शक्तिशाली है कि वो पुतिन की सुरक्षा तंत्र को भेज सके, अनलेस अंटिल इसको जो है किसी तरह से अमेरिकन सुरक्षा एजेंसी या इजराइल की जो मोसाद एजेंसीज है उनका कोई सपोर्ट मिला हो। और कोई भी कार्रवाई जो है इस लेवल पे तभी संभव है जबकि जो उनका किसी वीवीआईपी का सुरक्षा तंत्र है उसके अंदर ही आपने किसी तरह से इन्फिल्ट्रेशन किया है। पुतिन के मूवमेंट की जानकारी बेहद सीक्रेट होती है। पुतिन कब और किस रूट से जाएंगे इसे गोपनीय रखा जाता है। किसी को पुतिन की मूवमेंट की जानकारी होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के लोग होते हैं। तो शायद यही वजह है कि बम धमाके वाली वारदात के वक्त पुतिन के काफिले में चल रहे हेड बॉडीगार्ड समेत कई गार्ड्स को सस्पेंड कर हिरासत में ले लिया गया है। अब सवाल यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बम धमाके में मारने की साजिश किसने रची? वो कौन था जो पुतिन को मौत के घाट उतारना चाहता था? शक की पहली सुई यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की ओर घूमती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही पुतिन के सबसे करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया की कार बम धमाके के जरिए हत्या कर दी गई थी। रूस ने दावा किया था कि दारिया की हत्या में यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विसेज का हाथ है। रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन की एक महिला सैन्यकर्मी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। गायब हो गए हैं तो ये भी शामिल हो सकता है कि वो उसमें शामिल रहे हो, या ये भी संभव है कि सस्पिशन में उस पर कार्रवाई की गई हो। और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत ही पूरे सुरक्षा तंत्र को जो है उसको स्टेप अप किया जाता है, सारा स्टाफ चेंज हो सकता है, उस पर काफ़ी कार्रवाई करके वो पता लगाया जा सकता है कि कैसे हुआ। मैं समझता हूँ कि यूक्रेन रशिया वार ने रशिया की इकोनॉमी को काफ़ी हद तक झंझोड़ दिया है और उनका जो पुतिन ने 20 वर्ष की जो स्टेबिलिटी रशिया को दी है उस पर भी अभी असर गिर रहा है। तो रूस में पुतिन विरोधी ताकतें जो हैं वो अब सिर उठाने लगी हैं और उन्हीं में से किसी जो उनके विरोधी गुट हैं उसने जो है उनके सुरक्षा तंत्र में इन्फिल्ट्रेट करके उसको भेदने की कुछ कोशिश की हो। पुतिन पर हमला ज़ेलेंस्की का बदला है या कुछ और, इसके बारे में ठीक ठीक कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तो तय है कि कोई है जो पुतिन को फूटी आंख नहीं देखना चाहता, कोई है जो पुतिन की सुरक्षा में सेंध लगा रहा है, कोई है जो एक एक कर पुतिन के करीबियों को मौत बांट रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 6 महीनों में पुतिन के 7 करीबियों की रहस्यमयी मौत हो चुकी है। तेल और गैस के बिजनेस से जुड़े ये लोग कैसे मारे गए इसका पता नहीं चल पाया है। कोई अस्पताल की खिड़की से गिरकर मरा तो कोई फांसी पर झूलता मिला। तो शायद यही वजह है कि रूस की खुफिया एजेंसियों को यूक्रेन के अलावा पुतिन की सुरक्षा में तैनात लोगों पर भी शक है। बम धमाके के बाद एस्कॉर्ट कार से 3 बॉडीगार्ड्स का गायब होना इस संदेह को और पुख्ता भी करता है। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 6 महीनों से जंग चल रही है। इस जंग में रूस को बहुत नुकसान हुआ है। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस की अर्थव्यवस्था भी रसातल में पहुंच चुकी है। यही वजह है कि पुतिन के अपने भी उनसे बगावत के मूड में आ गए हैं।
उनके खिलाफ रूसी जासूसों के विद्रोह की आशंका भी जताई जा रही है। इन हालात में पुतिन की हत्या की एक और कोशिश ने क्रेमलिन को हिला कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो रही पुतिन पर हमले की इनसाइड स्टोरी, लेकिन ये आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जबरदस्त सुरक्षा में रहते हैं और इसके बावजूद उन्हें 6 बार मारने की कोशिश की जा चुकी है। जी हाँ, वर्ष 2000 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूक्रेन के याल्टा में पुतिन को मारने की साजिश रची गई थी। साजिश रचने में शामिल चेचनिया के 4 विद्रोहियों को गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद अजरबैजान की यात्रा के दौरान 2002 में पुतिन पर हमले की साजिश रची गई थी। इस मामले में एक इराकी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। 2002 में ही पुतिन को मारने की एक और साजिश रची गई। मॉस्को में पुतिन के काफिले की गाड़ी को विस्फोटक से उड़ाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद अगले ही साल 2003 में पुतिन की हत्या की साजिश रचने के आरोप में ब्रिटिश एंटी टेरर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों में एक रूसी सीक्रेट सर्विस का एजेंट भी था। उसके बाद आगे बढ़िए और बात करिए साल 2012 की, तो इसमें पुतिन पर चेचनिया के विद्रोहियों ने हमले की साजिश रची थी। इनमें से एक आतंकी को यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से गिरफ्तार किया गया था। अब एक बार फिर मॉस्को में पुतिन की लिमोजीन कार पर बम से हमला हुआ है। तो चलिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर हमले की खबर से दुनिया भर में तहलका जरूर मचा हुआ है, लेकिन इस हमले के बाद पुतिन की सुरक्षा को लेकर जहां सवाल उठ रहे हैं, वहीं उनकी सुपर कार की भी चर्चा हो रही है। कितनी सुरक्षित है पुतिन की सुपर कार? जब पुतिन कार में नहीं होते तो उनका सुरक्षा घेरा कैसा होता है? कितने लोग उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं? जानने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऐसी सुरक्षा कि परिंदा भी पर न मार सके। 50,000 गार्ड्स, स्नाइपर्स और बॉडी डबल, बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ, वाटर प्रूफ कार। कार नहीं, बंकर में चलते हैं पुतिन, जो खुद जासूस रहे हों, जो जूडो में ब्लैक बेल्ट हों, जो खुद इतने फिट रहते हों, उन्हें अपनी सुरक्षा की क्या चिंता। लेकिन जब यह शख्स रूस का राष्ट्रपति हो तो उनके लिए ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार रहता है जिसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क और गंभीर रहते हैं। उनके हर कदम पर सैकड़ों बॉडीगार्ड बारीकी से नजर रखते हैं और ये बॉडीगार्ड 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। पुतिन की सुरक्षा का जिम्मा फेडरल सिक्योरिटी सर्विस पर है। FPS के दस्ते में 50,000 कर्मचारी काम करते हैं। इसमें बॉडीगार्ड से, अंडरकवर गार्ड से, स्नाइपर से, डुप्लीकेट्स या बॉडी डबल हैं, फूड टेस्टर से। अगर हम व्यक्तिगत सुरक्षा की बात करें तो उसमें जो है VVIP सुरक्षा में आउटर सर्कल होता है, उसके बाद में 2 या 3 इंटरमीडिएट रिंग्स होंगे और फिर एक बिल्कुल क्लोजेस्ट सर्कल होता है जो उनके साथ में बिल्कुल चारों तरफ इस तरह से चलते हैं जैसे वो उनके बॉडी का ही हिस्सा हो। और ये जो कमांडोज होते हैं उनके पास में बहुत ही इफेक्टिव डिपेंडेबल गन होती है। और कहा जाता है कि राष्ट्रपति पुतिन के पास में जो गार्ड्स हैं उनके उसमें SPS गन होती है जो -50 से +50 के टेम्परेचर पे काम कर सकती है। उसमें निशाना बहुत अचूक होता है और वो जो है 4 से 5 मिलीमीटर की स्टील प्लेट और टाइटेनियम प्लेट्स की मल्टी लेयर्स को भी वो एक तरह से भेद सकती है। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के बॉडीगार्ड्स साय की तरह पुतिन के साथ रहते हैं। जब भी पुतिन भीड़ के बीच होते हैं तब 4 लेयर सिक्योरिटी से घिरे रहते हैं, यानी उनके चारों तरफ सुरक्षा के 4 घेरे होते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक ही घेरे के गार्ड्स दिखाई देते हैं, बाकी सब छिपे होते हैं। पुतिन की सुरक्षा का पहला घेरा निजी बॉडीगार्ड्स का होता है। ये गार्ड्स आम बॉडीगार्ड के कपड़ों में यानी सूट, बूट और टाई में होते हैं। ये हर तरह के हमले के लिए तैयार रहते हैं।
निजी बॉडीगार्ड्स, बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस या केवलर छाता लेकर चलते हैं, जो पुतिन को गोलियों की बौछार से बचा सकते हैं। ये बॉडीगार्ड भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं और इनके पास एक 9mm गुर्जा पिस्टल होती है जो एक मिनट में 40 राउंड फायर कर सकती है। सुरक्षा घेरे की दूसरी लेयर अंडरकवर गार्ड्स की। अंडरकवर गार्ड्स साधारण कपड़ों में भीड़ में मौजूद होते हैं। ये पुतिन से कुछ ही दूरी पर मौजूद रहते हैं। वहीं गार्ड्स का तीसरा घेरा भीड़ के किनारे पर मौजूद होता है। पुतिन की सिक्योरिटी का चौथा घेरा छतों पर स्नाइपर्स के तौर पर मौजूद होता है, जिन्हें किसी भी खतरे को तुरंत सूंघ लेने के आदेश होते हैं। राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा का सवाल है। उनकी अमेरिका राष्ट्रपति, चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके सुरक्षा तंत्र जो है वो इतने शक्तिशाली और मल्टी लेयर होते हैं कि उसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का उसके अंदर एंटर करके कोई कार्रवाई करना जो है वो नितांत असंभव है। ये इसके एग्जैक्ट डिटेल्स कहीं आपको प्राप्त नहीं होगी। इनकी जो कार है लिमोसिन, ये इतनी सुरक्षित होती है कि इसके ऊपर अगर कोई मैकेनाइज्ड वेपन्स का या आर्टिलरी का भी कोई अगर टैंक गोले का कोई अगर अटैक होता है तो इसका जो आउटर कवर है वो उसको सस्टेन कर सकता है। पुतिन 7 टन वजनी बख्तरबंद कार से यात्रा करते हैं। ये लिमोजिन कार बुलेट प्रूफ है। ये बम प्रूफ कार भी है, यानी बम के हमले का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। पुतिन की कार रासायनिक हथियारों के हमलों को भी आसानी से झेल सकती है। लैंडमाइन धमाके से भी इस कार को कोई नुकसान नहीं हो सकता। दावा किया जाता है कि इस कार पर मिसाइल हमले का भी असर नहीं होगा। पुतिन की लिमोजिन कार पानी में भी तैर सकती है। यहां तक कि पानी के अंदर पनडुब्बी की तरह भी पुतिन की कार चल सकती है। इमरजेंसी में अंदर बैठे लोगों को सांस लेने के लिए कार के अंदर ऑक्सीजन जनरेटर लगा हुआ है। पुतिन की कार में 2 इंजन लगे हैं, यानी एक अगर फेल हुआ तो दूसरा काम करेगा। ये ऑटो गियर शिफ्ट के साथ फुली ऑटोमेटिक कार है। इतना ही नहीं, पुतिन की कार में नाइट विजन कैमरा, आंसू गैस दागने वाली गन और 8 इंच मोटी प्रोटेक्शन लेयर जैसे हाईटेक फीचर्स दिए गए हैं। पुतिन आमतौर पर मोटरसाइकिल सवारों, कई लिमोजिन कारों के साथ एक बड़े काफिले में चलते हैं। जहां से उनका काफिला गुजरता है, कई बार वहां ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि सुरक्षा के लिहाज से पुतिन स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी नहीं करते। लेकिन इन सब के बावजूद पुतिन की सुरक्षा में सेंध लग गई। लेकिन कैसे? अब रूस की खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर कैसे पुतिन के दुश्मनों ने सुरक्षा कवच को तोड़कर असंभव को संभव बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। अब देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार में सुरक्षा के लिहाज से नाइट विजन कैमरा, आंसू गैस के तोपों से लड़ने के लिए मोटी प्रोटेक्शन लेयर दी गई है और यहां तक के इस पुतिन की कार में पानी में ये डूबती नहीं है कार, बल्कि सबमरीन की तरह तैरने लगती है। माना यह जा रहा है कि इसी बुलेट और बम प्रूफ कार की वजह से पुतिन सुरक्षित बच पाए। तो चलिए आपको उस कार के बारे में भी बता देते हैं जिस कार का हम जिक्र कर रहे हैं। इसके जो स्पेसिफिक्स हैं उन पर गौर कीजिए। इस कार का वजन 7.2 टन है। इसकी लंबाई 6.7 मीटर है। इसमें 4.4 लीटर V8 860 हॉर्स पावर का इंजन लगा है। इसमें 8 इंच की मोटी प्रोटेक्शन लेयर भी है। इसकी खासियत है कि ये बुलेट प्रूफ है, बॉम्ब प्रूफ भी है और इस पर रासायनिक हमलों का भी कोई असर नहीं होता। और तो और, ग्रेनेड हमले का असर भी पुतिन की कार पर नहीं हो सकता। तो देखिए, पुतिन पर हमले की खबर के बीच एक और खबर है जो सुर्खियां बटोर रही है। इस खबर पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं SCO सम्मेलन के दौरान होने वाली मोदी और पुतिन की मुलाकात के बारे में। शुक्रवार शाम को पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत होगी। क्या होगा खास इस बातचीत में, क्या होगा इस मुलाकात का एजेंडा, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। SCO
यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पीएम नरेंद्र मोदी हाथ तो सभी नेताओं से मिलाएंगे, लेकिन अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी एक खास मुलाकात। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात सबसे अहम होने वाली है, क्योंकि सिर्फ 2 साल बाद ही दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात नहीं होगी, बल्कि ये मुलाकात इसलिए भी खास होगी क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब भी जारी है। यूक्रेन युद्ध में भारत ने कभी भी अपने करीबी दोस्त रूस का खुलकर विरोध नहीं किया है। यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन ने दुनिया के जिन नेताओं से बात की थी उनमें पीएम मोदी भी थे। तो यूनाइटेड नेशंस में रूस के खिलाफ कई अहम प्रस्तावों पर भारत ने अपनी गैर मौजूदगी से उसका समर्थन ही किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी वजह भी बता चुके हैं। समय जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है। भारत शांति के पक्ष में है, बातचीत से हर समस्या को सुलझाने के पक्ष में है, लेकिन जो देश सीधे जंग लड़ रहे हैं भारत का उनसे आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से नाता है। शुक्रवार को शाम 4:10 से 4:45 तक पीएम मोदी की पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी, तो इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर होगा। हालांकि रूस की यूक्रेन पर हमले और यूरोप को गैस की सप्लाई रोकने के बाद विश्व स्तर पर समीकरण तेजी से बदले हैं, लेकिन दोनों देश आपसी व्यापार को बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ सम्मेलन में मुलाकात के दौरान रणनीतिक स्थायित्व, एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिति और संयुक्त राष्ट्र और G20 के सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। Our trade and the relations between Russia and India in general are very deep in history, in traditions of friendship, baggage, so to say, lies at the core of the evolving bilateral strategic partnership. Trade is a part of, is only part of our relations, an important one, and is growing recently at huge paces. अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी रूस और भारत के संबंधों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है, चाहे रूस की मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की बात हो या दूसरी चीजों की। भारत ने देश हित में ही हर फैसला लिया है। हालांकि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच होने वाली बैठक में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यूक्रेन को लेकर दोनों देशों के नेताओं के बीच क्या बात होती है। समरकंद से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। We'll be right back.